हेलो एवरीवन, दिस इज योर सुरुचिरा। आज की वीडियो के अंदर हम जर्मन और बाइस बुक का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट। चैप्टर 8 का नाम है स्पोटलिश। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस चैप्टर के कोर्स बुक का सारा सॉल्यूशन चाहिए अलॉन्ग विद सीडी रिलेटेड क्वेश्चन, तो यू कैन चेक ऑन आवर वेबसाइट germankitabsolution.com। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 के अंदर हमें ये पिक्चर्स देखनी है और उसके बाद इनके नाम बताने हैं, तो इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट के अंदर हमें पिक्चर्स देखनी है और पिक्चर से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ बॉक्सेस में गिवन है वो सारी लिखनी है। एग्जांपल के लिए यहाँ देखते हैं, पहला है विंटर लैंडशाफ्ट, यानी कि ये माउंटेन का एरिया है जहाँ पे पूरी स्नो हो रखा है। और इससे रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स है ऊपर गिवन, तो यहाँ पर है विंटर, देयर विंटर ये रहा। उसके बाद देयर स्ने मिट स्ने शूहा वांडन, तो ये इससे रिलेटेड है। ऐसे ये बाकी सारे भी लिखने हैं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिसनिंग स्किल का क्वेश्चन है, तो जिनके पास सीडी है वो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। अब इसके बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट के अंदर ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें पार्टनर से ये क्वेश्चंस पूछने और उनके आंसर लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने फ्रेंड से पूछा वेल्श स्पोर्ट मार्कंजियम लीप्सटन, मींस तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, तो उसने बोला बैडमिंटन, तो मैंने लिख दिया बैडमिंटन। इसी तरह टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, तो ये पार्टनर के हिसाब से लिखना है। तो ये प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है, और अगर आपको कोई ना मिले इनको आंसर देने के लिए तो आप खुद के हिसाब से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दो पिक्चर्स गिवन है। एक के अंदर क्या है कि मैच के बाद टीम जीत गई और दूसरे पिक्चर के अंदर टीम हार गई, तो जीतने से रिलेटेड और हारने से रिलेटेड जो जो यहाँ पे बॉक्स के अंदर वर्ड्स फ्रेजेस हो सकते हैं वो हमें लिखने हैं। पहला है वांजिन, इसका मतलब क्रेजीनेस। दास वार ग्रोजाटिश, मीन्स ये बहुत ऑसम था। तो वास्टॉलिश, मीन्स ये बहुत ऑसम था। दस कन डॉकनेस्ट वाहजाइन, मीन्स नहीं ये सच नहीं हो सकता। ये कब बोलते हैं, जब मान लो हार गई हो टीम, यहाँ पे लिखा भी हुआ द कनमन नेस्ट माखन, नथिंग कैन बी डन, अब कुछ हो नहीं सकता, हार गई तो हार गई। इश फिंडे एस एक्ट शादम, मीन्स मेरे को ये बहुत घटिया लगा, शेम ऑन इट। जो फील पेश जो आइन ग्लुक, मीन्स कितने लकी हैं। वी आर इन द बेस्ट, हम सबसे बेस्ट हैं। ओ वी इज डाश्योन, ओ वाह कितना बढ़िया है। उसके बाद आइन वंडर ब्यारा जीक, इसका मतलब है कि बहुत बढ़िया सी विक्ट्री, जीत। दी नीडल लागर टूटवे, मीन्स ये जो हार होती है इससे थोड़ा दुख होता है। इश बिन जो उन ग्लुकलिश, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तो ये इसके मतलब हो गए। तो वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। और इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, थ्रोट से या फिर दिसाल भरना है। वैसे तो दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर आपको थ्रोट सेम और दिसाल के बारे में डिटेल में जानना है तो इस चैप्टर के कोर्स बुक सॉल्यूशन में जाके वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया। तो इसके अंदर हम फिल कैसे करेंगे, तो मैंने उसके अंदर बताया था बेसिकली, शॉर्टकट में बताना चाहूँ वन वर्ड में। और सेम हम तब यूज़ करते हैं जो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 के सब्जेक्ट अलग अलग हो। जैसे पहले देयर एंट्रेट, मतलब एंट्रेंस, और सेकंड सेंटेंस के अंदर किसकी बात हो रही है, फैंस के बारे में। तो यानी कि इसके अंदर क्या सब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए हमने थ्रोथ सेम यूज़ किया। वही अगर दोनों सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सेम हो तो हम देशाल भी यूज़ करते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस के अंदर फैंस की बात हो रही है और सेकेंड के अंदर फाखन जी, यानी ये भी फैंस की बात हो रही है, तो इसलिए हमने देशाल भी यूज़ किया। तो ऐसे ही बाकी सेंटेंस में वीडियो पॉज करके एक बार खुद लॉजिक लगा के ट्राई करके देखो, देन आंसर्स यहाँ से मैच करें। उसके बाद बी पार्ट के अंदर सेम हमें देशाल बहुत सेम का यूज़ करना है, लेकिन इस टाइम हमें क्या, ये जम्बल सेंटेंसेज है इनको कंप्लीट करना है, सीधे फॉर्म में भी लिखना है। तो पहले क्लाइमेक्स इस टीम विंटर ज्ञान इंडिया नाटूर दिसाल मार्ग एश ने शू वांडन, मीन्स क्लाइमेक्स को ठंड के अंदर बाहर आउटसाइड जाना बहुत पसंद है और इसलिए उसको स्कीइंग करना बहुत पसंद है। उसके नेक्स्ट है फील लॉइटन हाबन स्ट्रेस इम बेरूफ दिसाल माखन जी इम द फ्राई साइट योगा, बहुत सारे लोगों को अपने प्रोफेशन में काम में स्ट्रेस होता है, दैट्स वाई ये लोग क्या करते हैं, अपने फ्री टाइम के अंदर योगा करते हैं। नेक्स्ट है पैराग्लाइडिंग इज सीमलिश के फालिश, पैराग्लाइडिंग जो है वो काफ़ी डेंजरस है। थ्रोथ सेम इश म्योस्टे एज आइनमार प्रोबियरन, इसके बावजूद भी मैं इसको एक बार ट्राई करना चाहूँगी।
मुस्ट कूल अनजेहन देशाल प्रनियरन द यूंगर लिशन ट्रिक्स। पार्कर एक टाइप का स्पोर्ट है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख जाएगी जिसके अंदर हम जंप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग स्टाइल में। तो इसके अंदर यही है कि पार्कर जो है वो काफ़ी ऑसम कूल सा दिखता है, इसलिए जो ट्रेनिंग है उसके अंदर बच्चों को अलग अलग ट्रिक्स सिखाई जा रही है। नेक्स्ट है एवा इज श्योन आइन माल फोम फैट गे फालन। एवा जो थी वो एक बार घोड़े से गिर गई थी, इसके बावजूद भी इसको हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है। इसका नेक्स्ट है इनेस हार्ट श्योन स्वाय टाउकुर्स गेमाक, मतलब कि इनेस एक लड़की का नाम है, उसने दो बार डाइविंग कोर्स किया ट्रोथसेम हाजी इमनॉक आइन बिशन अंगस्ट, और उसके बावजूद भी कभी कभी वो इसके अंदर घबरा जाती है पानी में उतरते वक्त। ये तो हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सी पार्ट है, सी पार्ट के अंदर हमें ऑप्शन चूज करने हैं एंड देन क्रॉस करना है। तो पहला है रॉजर फेडरर हार्टफिलस फैंस। रॉजर फेडरर जो है उसके बहुत सारे फैंस हैं। अब इसका क्या आएगा, बिकॉज में ऑफकोर्स आंसर देंगे, दैट्स वाई तो देंगे नहीं, लॉजिक नहीं बन रहा। वाइल एयर देयर बेस्ट एंड टेनिस प्लेयर इज, क्योंकि वो सबसे बेस्ट टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट है अलाइन सीट आलेश पीले फोनजाइना मानशाफ्ट सेंट पाउली अन, मतलब कि अलाइन ने अपने जो टीम है उसके सबके मेंबर्स का मैच देख लिया। अबिल लाइडर गेविंट जी निश्टॉफ, फिर भी वो लेकिन वो उसके बावजूद भी नहीं जीत पाए। उसके बाद शाउन विटे इज देयर बेस्ट स्नो बार्डर, जो शाउन है वो सबसे बेस्ट स्नो बार्डर। देयर इज वेगन फॉर डाइंट एयर जेयर फील गेल, और इसलिए वो काफ़ी अच्छा खासा अर्न करता है। नेक्स्ट है ब्रिटा स्टेफन इज देयर बेकान, ब्रिटा स्टेफन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वाइल जी बाई देन ओलंपिशन स्पीलर गिवोन अटार, क्योंकि उसने ओलंपिक गेम्स के अंदर खेला और उसमें जीत गई। ज़बीना लेजी की हाथ पास पाइम टेनिस पील है, ज़बीना जो है उसको बहुत ज़्यादा टेनिस खेलने में मज़ा आता है। अब जी ट्रेनियरत ये दिन टाग, लेकिन उसको हर दिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, ए पे क्रॉस नहीं लगा हुआ। द राइटर इन हैने लॉरे बैर्नर कान निस्ट लाउफन, मीन्स ये जो राइटर इन यानी कि हॉर्स राइडर हैने लॉरे, ये चल नहीं सकती ट्रोथ सेम हाथ सी एन ए गोल्ड मेडल है बाय देन ओलंपिशन स्पीलर गिव ऑन, इसके बावजूद भी उसने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक के अंदर। तो इसके अंदर चार हमने चीज़ें नहीं देखी, पहला वाइल, वाइल मीन्स बिकॉज, दिस वेगन मीन्स दैट्स वाई, आबर मीन्स बट, और यहाँ पे हमने ट्रोथ सेम देखा मीन्स इन स्पाइट ऑफ। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर हमें ये रीड करना है एंड देन उसके बाद यहाँ से कौन सा वर्ड कौन से पिक्चर के साथ मैच होता है वो लिखना है। तो ये रीड आप खुद कर सकते हो। पहले पिक्चर के अंदर बेसिकली ये एक आर्टिस्ट यानी सिंगर के बारे में, जिसका नाम है ह्यूबर्ट फोन गॉयसन। इसका लेटेस्ट गाना था ब्रेना टाउट्स, वो बहुत ज़्यादा हिट गया था। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर, ये सेकेंड पिक्चर के अंदर डीडिया क्यूशे के बारे में बात हो रही है, जो कि इसका बहुत फेमस स्काई डाइवर है। तो इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। उसके बाद थर्ड के अंदर एक शाउस्पिलरिन यानी एक्ट्रेस की बात हो रही है, और ये काफ़ी फेमस इंटरनेशनल फेमस एक्टर एक्ट्रेस है, और इसका नाम मार्टिना है। तो इसको वीडियो पॉज करके यहाँ के आंसर्स लिख सकते हैं। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन लिसनिंग स्किल का है, एंड देन उसके बाद जब इसको फिल कर ले तो इसके रीडिंग करके भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे पहला है लांट, उसके बाद सेकंड रेगन, थर्ड लेबन, फोर्थ लेडिश, फिफ्थ इजराउम, सिक्स्थ लेगन, सेवन्थ रुंड, एट्थ अप्रैल, नाइन गैल्ड, सेन ब्राउन, एल्फ ब्लूजर, स्वल्फ बेरूफ। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ट्रेड के अंदर हमें ये डायलॉग्स पढ़ने हैं एंड देन मैच करना है, सीक्वेंस में लगाना है, एक्चुअली मैच नहीं करना। तो अब सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे, इसके लिए ऑफकोर्स सीडी सुनना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। तो इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, जिनके पास सीडी है वो वहाँ से देख के एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम क्वेश्चन नंबर बी में रजिस्टर शो द फॉल्स डालना है, ये भी सीडी रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 मैच द फॉलोइंग है, इसके अंदर पहला बी, सेकेंड डी, थर्ड ई, फोर्थ एफ, फिफ्थ सी, सिक्स्थ ए। इसके अंदर आपको लगे कि कोई भी वर्ड नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट के अंदर हमें डायलॉग्स पूरे करने हैं ऊपर हेल्प बॉक्स की मदद से। तो पहला वाज थैंक्स टू, तुम्हें क्या लगता है जोलन वियरम डीम्स टाग योगन गैन, तो तुम्हें क्या लगता है क्या हमें ट्यूजडे को जॉगिंग करने जाना चाहिए। तो रिप्लाई आता है लाइडर गेट एस एम डीम्स टाग ने, सॉरी मैं ट्यूजडे को नहीं आ सकता।
हाउ टू मिट वर्क साइट, क्या तुम्हारे पास फाइनेंस है, कोई टाइम है? तो रिप्लाई आता है या दस पास्ट मी आउट, यस ये मुझे सूट करता है टाइम, और ये काफ़ी कॉमन फ्रेज है तो इसको अच्छे से याद कर ले, पास्ट मी आई मीन सूट्स मी। नेक्स्ट है आप नाक में टक, दोपहर में, या गुड यस बढ़िया है। अब जॉगिंग, लेकिन जॉगिंग इश क्लाउ पे इश हाब ए काइन लोस्ट, आई थिंक मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। वन एन वी अनिस्ट लिब आई ना फाखा टू अ माखन, क्या हमें एक ड्राइव पे नहीं चलना चाहिए? तो रिप्लाई आता है जूपर दास इस्ट आई ना गुट ईडे, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। वी क्यों ना जूम से फाखन उन डॉट आइन पिकनिक माखन, यस ये काफ़ी बढ़िया आइडिया, और ऐसे हम जाके पिकनिक भी मना सकते हैं वहाँ पे। ओके दस माखन भी है, ओके बढ़िया है, फिर यही करते हैं इश रूफे डिश नॉक मालन, ओके मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट है, सी पार्ट के अंदर हमें ये ईमेल्स पढ़ना है एंड देन उसका रिप्लाई करना है। तो पहले ईमेल के अंदर है वी क्यों नम जेम स्टक्स उम राइट एंड गे हन हाज टू लोस्ट ऑर्डर उन साइट और द हाउस टू आइन अंदर फोर्स लाग फीलो ग्रूज नीना। तो इसके अंदर नीना मैसेज करती है, ईमेल लिखती है नीना कि मैं सोच रही हूँ कि हम सब सैटरडे को चलते हैं हॉर्स राइडिंग पे, अगर क्या तुम्हें इंटरेस्ट है इसमें, या क्या तुम्हारे पास टाइम है इसके लिए, या फिर तुम्हारे पास कोई अदर सजेशन है कि हम और किसी चीज़ के लिए चलते हैं। और दूसरा ईमेल है या हम जेम्सटक काने शौक हाँ संडे को आ सकता हूँ, इसमें एक से चार बजे तक आ सकता हूँ। वी आर क्योनन गैन आउ टेनिस पीलन, और हम टेनिस भी खेल सकते हैं। दस इज टाइन ऑफ गुड ईडे, और ये काफ़ी बढ़िया आइडिया है। दस हैबिन वी आर श्योन लॉन्ग एनिस्ट मे आर गेम, और वैसे भी हमने बहुत टाइम से खेला नहीं है टेनिस, पिस था नीना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नीना को रिप्लाई करते हैं हमारी तरफ से। तो नीना को हमने कैसे रिप्लाई किया, लीबे नीना, क्योंकि फीमेल है तो इसलिए लीबे और मेल है तो लीबर। और अगर आपको राइटिंग सेक्शन के ऊपर वीडियो देखनी है तो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने राइटिंग सेक्शन के बारे में बेसिक चीज़ें, क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए, कॉमन फ्रेजेस ये सब बताया, तो वो काफ़ी यूज़फुल होगा। इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हैं। इसके अंदर है सुम राइटन हावेश काइनल उस्ट, नहीं मेरे को हॉर्स राइडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद की जगह यहाँ पे उन आएगा, उन दम जैम स्टाग मुश इज आबाइटन, और सैटरडे को मेरे को काम पे जाना होता है। वलन वी आर नेक्स्ट लीबर टेनिस पीलन, और क्या हम टेनिस नहीं खेल सकते, ये काफ़ी बढ़िया था आइडिया। कंस टू अम जोन टग अम पियन हुए, क्या हम सैटरडे को ऐसा दो बजे नहीं कर सकते, लीबर गुरुजा, और उसके बाद अपना नाम। उसके बाद नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन के अंदर हमें ऊपर बॉक्सेस में से देखने हैं पिक्चर में क्या हो रहा है, और उस हिसाब से हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो पहले सेंटेंस में क्या हो रहा है कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है और ट्रेनर आके उसको समझा रहा है। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस, देयर ट्रेनर है कैल्ट, है कैल्ट मीन्स एक्सप्लेन करना, देन मैनर दे युबुंग मीन्स ट्रेनर जो है वो समझा रहा है लोगों को युबुंग यानी एक्सरसाइज के बारे में। सेकेंड है देयर डॉशर लेगर लाइंट डिजाइनर श्यूलर इन दास बुक, जो जर्मन टीचर है वो अपनी स्टूडेंट को बुक दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड दी फॉर कोई फ्रेंड सीट दे कुंड स्पोर्ट शू, यहाँ पे शॉपकीपर अपने कस्टमर को स्पोर्ट शूज़ दिखा रही है। उसके बाद नेक्स्ट है दी कैलनरिन ब्रिंग देम गास्ट एंड ऑरेंज एंड ड्राफ्ट, और यहाँ पे वेट्रेस है वो ऑरेंज जूस लाई है सर्व करने के लिए गेस्ट को। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर भी हमें सेंटेंसेस बनाने हैं डाटिव अकुजाटिव उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर बेसिकली हमें ये वर्ब और ये वेम इस वाले पार्ट पे ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ब हम कॉन्जुगेट करने वाले हैं और ये जो वेम वाले बॉक्स में जो जो लिखा है उसको हम अकुजाटिव या डाटिव के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ, कॉनी लाइंट ईयर ऑफ फ्रॉन्डिन आइन अ स्पोर्ट होजा हे आर वेबर शेंक डिजाइनर फ्राउ आइन अ फॉखन देर लैरर एर कैल्ट देन स्टूडेंटन दी ग्रामाटिक दी ट्रेनियर इन गिफ्ट देन लॉयटन दी हेलम फ्राउ कॉर्कमा सीक्ट देन टूरिस्टन दी स्टट दिन किप्ट दे फमिलियन आइन एम किफ इश एम फेल माइन एन एल्टन आइन रेस्टोरेंट। और इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज के अंदर क्वेश्चन नंबर सी है, सी पार्ट के अंदर हमें वही इन्हीं सेंटेंस को जंबल ऑर्डर में अरेंज करना है, वापस सही बनाना है, तो इसको वीडियो पोज करके कर सकते हैं। यहाँ पे इलेवेंथ क्वेश्चन है, इलेवेंथ क्वेश्चन के अंदर हमें वर्ब फिट करने हैं उनके जगह पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ कहाँ है एरो डाल रखे हैं,
तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट की बात करते हैं, तो बी पार्ट के अंदर हमें प्रोनोमन यानी प्रोनाउन सही से यूज़ करना है। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, जो हमारा ये वाला वर्ड है यानी कि मेन पर्सन है उसका वर्ब हम उसका प्रोनाउन हम राइट हैंड साइड लिखेंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ऐसे ही सेकेंड के अंदर पेटर, पेटर क्या मैन है मेल है, तो इसका ईम हमने राइट हैंड साइड लिखा और दी नूमर इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड के अंदर देन वेग, वेग का क्या राइट है लेफ्ट हैंड साइड आया और फ्रॉइंडन का इनन इधर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देन हेल्म, हेल्म जो है वो मेल आया तो इन आ गया। उसके बाद देम ट्रेनर तो इसका इन आ गया। उसके फिफ्थ की बात करते हैं जांत्रा, जांत्रा का ईयर फीमेल है इसलिए बस बुक, बुक का क्या ऐसा आ गया। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें ये रीड करना है, उसके बाद बताना है कि अरेंज करना है कि कौन सा पिक्चर के साथ कौन सा टेक्स्ट मैच हो रहा है। तो फर्स्ट पिक्चर के अंदर ये बताता है कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाया करता था फॉरेस्ट वगैरह कहीं कहीं घूमने, और वो एकदम बोरिंग हुआ करता था, लेकिन हमने जियो कैचिंग किया। जियो कैचिंग क्या होता है, एक हंटिंग गेम होता है जो कि हम रियल जगह पे करते हैं। जैसे आपने टीवी में भी कहीं पे देखा होगा कि जंगलों के अंदर कई ऑब्जेक्ट छुपा दिए जाते हैं, वो रियल सामान होते हैं और उसके बाद उनको ग्रुप में मिल मिल के ढूंढा जाता है, तो इसी को हम जियो कैचिंग कहते हैं। तो इसके अंदर यही बता रहा है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि हम नेचर के अंदर घूमते हैं। और अगर मेरे को किसी को रिकमेंड करना है, एम्फेलन मीन्स रिकमेंड करना, तो मैं इसको एज अ फ्री टाइम एक्टिविटी ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा। तो ये सी के साथ मैच होता है। अब बी की बात करते हैं, बी के अंदर बताया गया कि ये काफ़ी नया ट्रेंड है और मैं अपने दोस्तों के साथ भी इसके साथ गया था, लेकिन अब ये मेरे लिए बोरिंग हो चुका है क्योंकि मैं ये काफ़ी बार कर चुका हूँ। इनफैक्ट ज़ू के अंदर हम गए थे, वहाँ भी हमने किया था, हमें काफ़ी मज़ा आया, बट मेरे लिए अब ये थोड़ा बोरिंग हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार कर चुका हूँ। तो ये बी पिक्चर के साथ मैच हो रहा है, ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसके अंदर कह रहा है कि मैंने जियो कैचिंग के बारे में काफ़ी सुना है, अपने दोस्तों के साथ एक बार गया भी हूँ और वहाँ पे रियली बहुत मज़ा आता है, बहुत रिलैक्सिंग भी होता है और एक्साइटिंग भी होता है। और उसके बाद ये कहता है कि मैं एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा जब मेरे पास टाइम हो, और क्या तुम्हारे पास कोई टिप है बिगनर्स के लिए, और थैंक यू सो मच। तो ये किसके साथ मैच होगा, ए के साथ। तो अब हम नीचे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें गिवन है जो एक्टिविटीज़ होती है, और इनसे रिलेटेड यहाँ बॉक्सेस में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है, तो जो जिसके साथ मैच होता है या रिलेटेड है वो लिखना है। जैसे पहला जेहन वुडिश काइटन, यानी हम साइट सीइंग वगैरह के लिए जाते हैं तो क्या क्या करते हैं। रशियरन मीन्स रिसर्च करते हैं पहले तो उस जगह के बारे में कि वहाँ पे है क्या क्या। वेजिस्टिगन मीन्स वहाँ पे साइट सीइंग करते हैं, वहाँ की जगह देख के आते हैं। फोटोग्राफियरन फ़ोटोज़ खींचते हैं। ऐसे टिकट्स के अंदर क्या करते हैं, बेत्सालन मीन्स खर्च करते हैं, पे करते हैं, काउफन खरीदते हैं। नेक्स्ट इम होटल, होटल के अंदर अगेन हम बेत्सालन पे करते हैं। युबनाक्टन, युबनाक्टन मीन्स वहाँ पे रहते हैं सोते हैं। उसके बाद इंस म्यूज़ियम, म्यूज़ियम में क्या करते हैं गेहन जाते हैं वहाँ। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बारे में हम क्या रिसर्च करते हैं। क्या नेक्स्ट है आइना राइज ऑफ फ्यूरर, और ट्रैवल के अंदर हम ये चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट है आइना स्पाशियर गांग मीन्स जब हम वॉक के लिए गए हों तो ये सब करते हैं। तो इसको आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर यहाँ पे जिनको ये फिल करना है वो ये कर सकते हैं। और इसी के साथ अब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं और ये चैप्टर खत्म होता है। डॉक्टर, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और साथ में अपने जर्मन लर्नर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए डंकेशन, चीयर्स।